સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં ગેસ્ટ ઓફ ધ ડેમાં વાત કરવા માટે આજે હાજર છે ક્રિકેટિંગ ફિલ્ડના સુપરસ્ટાર કપિલ દેવજી. કપિલજી, આપકા સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. સબસે પહેલે તો આઈસીએલ જિસ તરહ સે મતલબ ડે બાય ડે ગ્રોથ કર રહા હૈ ઓર આને વાલે દિનોમાં બીજો ટુર્નામેન્ટ આવી ઉસકી વજહ સે આપ અમદાવાદ આયે હો. ક્યા ઇસ ટાઈમ ઇસ ટુર્નામેન્ટ મેં ક્યા નયા આયેગા? नया शहर है और बहुत सी उम्मीदें लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट दिखा सकें. जो ग्राउंड इतना पुराना ग्राउंड है और वहाँ पर इतने सालों से क्रिकेट नहीं आई, तो भी इंटरनेशनल मैच अहमदाबाद में नहीं खेली गई थी इस ग्राउंड, इस ग्राउंड में नहीं खेला गया. और ये ग्राउंड मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन ग्राउंडों में से एक है और हम चाहते हैं कि यहाँ भी क्रिकेट होनी चाहिए. इसी उम्मीद से हम अहमदाबाद आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जब ग्राउंड तैयार हो जाएगा और जब क्रिकेट होगी तो यहाँ की क्रिकेट बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. ओके okay. नहीं, मैं मेरा अगेन यही सवाल है कि कुछ नया देने की, क्योंकि जिस तरह से अभी लगता है कि क्रिकेट में जैसे कि ग्लैमर ऐड करते हैं, ये चीयर सब करने के लिए जो लड़कियां लाई जाती है, मीन्स कुछ अच्छा मज़ेदार इस गेम को और मज़ेदार, क्योंकि बल्लेबाज और बॉलर दोनों तो गेंदबाज तो कुछ करते ही है, साथ साथ में जो भी स्पेक्टेटर आ रहे हैं उनको भी लुभाने के लिए और कुछ कुछ नए पैंतरे. मेरे लिए तो एज ए क्रिकेटर वही क्रिकेट ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर सकता हूँ. बाकी जो हमारे दूसरे लोग हैं वो एंटरटेन की तरफ सोचते हैं कि क्या फिल्मी लोगों को लाकर गाने गा सकते हैं, डांस हो सकता है, कोई और कल्चरल प्रोग्राम हो सकते हैं बीच में, पर मुझे सिर्फ क्रिकेट करना है और बहुत खूबसूरत क्रिकेट करना. और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारा लास्ट टूर्नामेंट हुआ इसी स्तर पर या इससे अच्छे और मैचेस हों और अच्छे अच्छे प्लेयर आके खेलें. मेरा एंटरटेनमेंट का मानना यही है कि क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, वही एंटरटेनमेंट है. फाइन, क्रिकेट की बात करी तो कपिल जी आप भी बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि क्रिकेट में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था. क्या अगेन मैं पूछना चाहूँगा कि वो स्कूल डेज कहाँ से ब्रेक मिला था कपिल जी को? ऐसा कुछ नहीं था, जैसे सब बच्चों को मिलता है. हम स्कूल क्रिकेट खेले, स्टेट क्रिकेट खेले, जोन क्रिकेट खेले और फिर हिंदुस्तान को मिला. जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस देते जाते हैं तो आपको एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं. तो शायद जब हम खेल रहे थे स्ट्रगल थी, लेकिन ये थी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है तो आपकी पहचान इंटरनेशनल क्रिकेट तक जल्दी बन जाती है. और मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा उसमें मेरे को चारों तरफ से भगवान की कृपा थी कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा था, अच्छा चल रहा था और उस समय हिंदुस्तान को ज़रूरत भी थी फास्ट बॉलर की. एक 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 एक, एक नया अंदाज कपिल देव ने उस जमाने में बनाया था अपना, कि जिस तरह से 5 दिन में स्लोली स्लोली खेलना, चाहे पूरा दिन खेलो, 36 रन लगाओ लेकिन अंत तक डटे रहो उसी पीच के ऊपर. उस वक्त अपना अलग एक अंदाज कपिल देव ने अपना लॉन्च किया था. एक्सेप्टेंसी में बहुत दिक्कत भी हुई होगी, जो अपने आप को क्रिकेट के क्या बोलते हो जो महान प्लेयर गिनते थे, कपिल देव का ये अंदाज पसंद भी नहीं आया होगा, बोले ये बहुत लड़का फास्ट फास्ट खेल रहा है. नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कि फास्ट गेम तो सबको क्रिकेट पसंद है. शायद टेस्ट क्रिकेट में उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक अलग तरह की क्रिकेट थी, तो शायद मेरा खेलने का स्टाइल अलग था. तो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने बहुत उसकी इज्जत की कि मेरा खेलने का स्टाइल है. क्राउड वापस ग्राउंड पे आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं शायद मेरा स्टाइल ही नहीं बन पाया कि मैं पूरा दिन खेल पाऊँ. मेरे में इतनी पेशेंस ही नहीं थी, तो शायद स्ट्रोक प्लेइंग थी, तो वो एक चेंज थी. पेशेंस नहीं थी, मतलब जितना अप्रिशिएट कपिल देव के शॉट्स होते थे उतने कभी कभी वह क्रिटिसाइज भी होते थे. एक वक्त तो ऐसा आया कि खराब शॉट खेलने के वजह से कपिल देव को ड्रॉप भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद वाला जब मैच आया तो कपिल देव वही अंदाज से वो मैच में खेले. देखिए, एक खेलने का एक तरीका होता है और शायद जब आप गलत शॉट खेल के आउट होते हो तो जो सेलेक्टर्स होते हैं उनकी अपनी एक सोच होती है और
मेरा खेलने का एक तरीका था जो मैं चेंज नहीं कर पाया और उसका जुर्माना कह सकते हैं, दंड कह सकते हैं, सेलेक्टर्स ने जो ठीक सोचा वो उस समय किया, पर बहुत मुश्किल था मेरे को अपना स्टाइल चेंज करना, तो मेरा स्टाइल वही रहा। तो शायद उन्होंने पहचाना कि इसका अपना एक खेलने का तरीका है, जैसे आज के दिन में आप कह सकते हो वीरेंद्र सहवाग खेले या कोई श्रीकांत खेलते थे, अब वो आउट भी होते थे और रन भी वैसे ही बनाते हैं। कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हो क्रिटिसिज्म भी होता है और कहीं ना कहीं इज्जत भी मिलती है। सो एक वो दौर था, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, यही है कि पहचानने में कुछ लोगों को समय लग जाता है। समय लगा, जो मतलब हीरा तो था ही, उनकी वैल्यू भी एक डिसाइडेड थी, लेकिन वो समझ में नहीं आई थी कई लोगों को। ICL में क्या क्या नया है और इस वक्त जिस तरह से अलग अलग आपने टाउन भी सिलेक्ट किए उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक विराम का। दर्शक मित्रों बात करिए परंतु समय था उसे विराम में। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथि में बात कर रहा है अपने मास्टर ब्लास्टर ऑलराउंडर कपिल देव जी साथ। कपिल जी, ICL में अलग अलग टाउन भी इस वक्त आप सिलेक्ट किए, जो पहला राउंड हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त आपने बताया कि बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं नए नए जगह पे, जैसे अहमदाबाद में आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या बाकी और शहरों में भी इस तरह की सिविक बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए? जी, आस्ता आस्ता करने की कोशिश, पहले पंचकूला हरियाणा में था, चंडीगढ़ के जो पास है वहाँ पर हुआ, उसके पास हम गुड़गांव में किया, फिर हैदराबाद में किया, आज अहमदाबाद में किया। तो आने वाले समय में कोशिश यही करेंगे कि हम सब शहरों में जा सकें और कोशिश कर सकें, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी या जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल वो हमारा साथ देगी, तो हम चाहेंगे कि हम अपनी क्रिकेट हर शहर में ले कर जाएँ, जिसके लिए समय लगता है और क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। पर उम्मीद यही है कि हम बाकी शहरों में भी जाएं, वहाँ भी क्रिकेट करें और क्रिकेट करने का जो हमारा तरीका है वो देखना चाहेंगे कि लोगों को पसंद है कि नहीं है। अभी सिर्फ एक ही तरह की क्रिकेट देखते आ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे और उसमें बेहतरी लेके आएँ और उसके बेटरमेंट करें। नए बच्चों को लाने का एक अलग प्लेटफॉर्म जो ICL ने क्रिएट किया, बहुत लोगों ने मतलब फिर कॉपी भी करना चालू किया, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आज हिंदुस्तान या वर्ल्ड के कोई भी क्रिकेट लवर है उनको, कि क्रिकेटर को जो सही वैल्यू मिलनी चाहिए दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ICL। इस बहुत ही बड़ा बिग बजट ये पूरा इवेंट करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि इतना बिग बजट को और ग्लैमराइज करने में कहीं ना कहीं क्रिकेट को कहीं साइड ट्रिक करना भी कहीं कहीं एक आक्षेप भी हो रहा है? ये ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट मैदान में ही खेली जाएगी, उसके बाद जो एंटरटेनमेंट होती है वो आज का पब्लिक है उनको पसंद है, शायद इट्स अ डिमांड, ओके, पसंद है। आज से 30 साल पहले ऐसे नहीं होता था, आज से 30 साल पहले कोई आउट करता था तो वो सिर्फ ताली बजा देते थे, वेल बोल्ड बोल देते थे, आज फिर उसके बाद हाथ मिलाना शुरू किए, फिर क्लैपिंग शुरू हुई, आज जब जब्फी डाल के मिलते हैं, आज एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं फुटबॉल की तरह,
ये तब्दीलियां आती रहती हैं और तब्दीलियां अगर गेम को खराब नहीं करती तो कोई खराब नहीं है। आज पब्लिक को पसंद है, प्लेयरों को पसंद है एक्साइटमेंट ग्राउंड में शो की जाए, दिखाई जाए, तो अगर वो है आज की डिमांड तो होता है शायद। अगर तब्दीलियां की बात करूं कपिल जी, तो एक जमाने में मतलब हाँ पहले से भी मतलब बॉलीवुड का और क्रिकेट का नाता कहीं ना कहीं तो पहले से तार जुड़े हुए थे, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा लगता है आपको कि आज कोई एक प्लेयर, कोई भी क्रिकेटर अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया उसने एक टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं से ज्यादा ग्लैमर में उसका नाम जुड़ा जाता है कोई हीरोइन के साथ? ऐसा है कि जो आप मीडिया वाले हैं पहले इतना गौर नहीं फरमाया करते थे, और आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और एक दूसरे से जो मिलने का है अवसर वो ज़्यादा बढ़ गया है, बातचीत बढ़ गई है, टेलीफोन बढ़ गए हैं, टेलीविज़न के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ जो दुनिया थोड़ी दूर थी वो पास आ गई है, और जब पास आते हैं तो फिर कहानियाँ या स्टोरीज भी बनती हैं। पर अगर दो फेमस लोग मिलते हैं और उनमें पहचान होती है तो ठीक है। जहाँ तक कि क्रिकेट का सवाल है, वो क्रिकेट ठीक होना चाहिए, बाकी वो शाम को क्या करते हैं हर एक की अपनी एक जिंदगी है, अपनी जिंदगी। कपिल देव और कॉन्ट्रावर्सी, एक कॉइन के दो साइड, कभी ना कभी थोड़े थोड़े समय पर कपिल देव जी का कॉन्ट्रावर्सी कहीं साथ निभाती रहती है, बरसों से देखा आया है। क्या लगता है सबसे ज्यादा व्यथित कपिल जी कब हुए थे, ऐसी कौन सी कॉन्ट्रावर्सी थी कि जहाँ बहुत ही मतलब दर्द महसूस? देखिए कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं, मैं कहूँगा कि हाँ अगर आप किसी चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए लड़ते हो, अगर उसको कॉन्ट्रोवर्सी कहते हैं तो मैं मान सकता हूँ। और देखिए मैं ये कहूँगा कि पहली बार कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि मेरे को दो रोटी के बाद क्रिकेट बोर्ड वालों ने बोला तीसरी चपाती नहीं मिलेगी, क्या अपने राइट्स के लिए हम खड़े होके बोल नहीं सकते? अगर वो बोलना कॉन्ट्रोवर्सी है तो गलत है। जब पहली बार बल्ले पर स्टिकर लगाया या कपड़ों पे लोगो लगाया तो वो हमने राइट समझा, लेकिन लोगों ने या क्रिकेट बोर्ड ने उसको क्रिटिसाइज किया, आज खुद ही उसी चीज़ को वो बेचते हैं। क्या वो कॉन्ट्रोवर्सी है? नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मैं खड़ा हुआ हूँ या किसी न किसी आधार पर खड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी इस सोच के कि वो मेरी सोच सही है, और जिस सोच में मेरी गलती है तो मैं मानूँ, लेकिन मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं यही देखता हूँ क्या ये सही है या गलत है, और गलत चीज़ को गलत बोलना मैं विवाद नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता विवादों में रहता हूँ, लेकिन दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो मैं वो पी भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंसान को खड़े होकर हक है अपनी बात को कहना, अगर उसको विवाद आप कहेंगे तो शायद मैं रहूँगा या हूँ या ऑलवेज है, तो मेरे साथ विवाद रहेगा ही रहेगा अगर मेरी सच बात को विवाद अगर मान लेते हैं तो। आपने जो बताया उस हिसाब से क्या ये मान सकते हैं कि आज की तारीख में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी बॉडी का नाम लेना चाहता, लेकिन अगर कोई भी क्रिकेटर है अगर वो टॉप पे टिके रहना चाहता है तो आंख बंद करके जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं उसी को फॉलो करना है, क्या ऐसी परिस्थिति है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर जुल्म सहते हैं तो वो भी एक गलत बात है, जुल्म करना भी गलत बात है और जुल्म को सहना भी एक गलत बात है। अगर आपकी नेचर ऐसा है तो आप एक वीक इंसान बनेंगे। अगर कोई संस्था इस तरह के लोगों को बहुत महत्व देती है या आगे लेके आती है तो आप एक फाइटर पैदा नहीं कर सकते। फाइटर वही होता है जो एक सही बात के ऊपर लड़ाई करे। अगर आपको हाँ में हाँ मिला के अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं। मैं ऐसा नहीं बन सका, इसीलिए शायद मैं विवादों में रहता हूँ। कपिल जी, अगेन मेरा सवाल वही है प्रॉपर जो मैंने सवाल आपको पूछा है कि क्या ये माना जा सकता है कि आज की तारीख में जो प्लेयर्स कंटिन्यू रहे हैं क्या उन्होंने ये सब बातें आंख बंद करके मान ली है? नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके शरीर में नहीं हूँ, मैं उनकी सोच में नहीं हूँ। हर एक इंसान की सोच अपनी सोच है, आपकी सोच अपनी है, मेरी सोच अपनी है। शायद उनको लगता हो ये सही है, शायद मुझे लगता हो ये सही नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि दो तरफ होता है, एक तरफ 9 पढ़ा जाता है, एक तरफ 6 पढ़ा जाता है, आप किस तरफ से देख रहे हो। जो मुझे गलत लगता था मैंने हमेशा उस चीज़ के ऊपर आवाज़ लगाई है, और जो मुझे सही लगता है मैं हमेशा आवाज़ लगा
लगाऊंगा, उसकी बात करूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने में ही मसरूर रहना चाहिए। सो हर इंसान की अलग सोच है और यकीनन किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसकी अपनी सोच को बदल ली जाए। आप फिटनेस की बात करें तो आजकल जो प्लेयरों में फिटनेस का प्रॉब्लम आ रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, नानकड़ा विराम पछी बात करीशु। आजना प्लेयरों जो फिटनेस नो प्रॉब्लम फेस करे छे, ने कपिल देव नॉर्मली एक एवी कैरियर हती के ज्यारे क्यारे पण फिटनेस नो प्रॉब्लम कपिल देव ने नथी आव्यो। समय थयो छे विराम नो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहा है आपने कपिल देव साथ। कपिल जी, आज के प्लेयर्स मतलब शेड्यूल भी इतना टाइट रहता है, शायद बार बार आज के जो करंट प्लेयर है उन्होंने ये भी बताया कि हमको बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है, कहीं पे ये इश्यू भी निकला था, चुप भी करवा दिया गया, किस कंडीशन में चुप हो गए ये अलग बात है, लेकिन फिटनेस के मामले में आजकल के प्लेयर को बहुत ही दिक्कत आती है। व्हाट डू यू फील? 365 दिन में 300 दिन खेलोगे तो यकीनन फिटनेस पे प्रॉब्लम आ सकती है, किसी प्लेयर को भी आ सकती है। अगर चुप करवा दिया गया है तो वो एक अपनी फिर पहचान है। देखिए, धोनी साहब ने बोला कि मुझे नहीं खेलना, मेरी बॉडी नहीं कोप अप कर पाएगी, मुझे रेस्ट चाहिए, तो उन्होंने रेस्ट ले लिया। जो चुप करके खेलना चाहता है वो खेलेगा, और जो अपनी बॉडी को पहचानता है और कह सकता है कि मुझे नहीं खेलना, तो उस तरह के भी लोग है। आप हर इंसान, हर प्लेयर को एक तराजू पे तोल नहीं सकते। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जिस तरह से 2020 फास्ट गेम 50 वनडे 50-50 वाली वनडे में भी कहीं ना कहीं बीच में लगता था कि बॉलर्स का गेम बना था, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जिस तरह से भी फास्ट गेम होती है, जिस कम ओवर की मैच हो जाती है, कहीं ना कहीं बैट्समैन की फेवर में गेम जाता है। जी ज़रूर जाता है, क्रिकेट खेल ही बैट्समैन की है। अगर माना जाए तो जितने भी रूल या रेगुलेशन जितने भी बने हैं वो बैट्समैन को सोच के बने हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर है, क्योंकि एक खेल का एक नियम एक तरीका है, उस तरीके में बैट्समैन की फेवर में ज़्यादा रखी गई है चीज़, और वही सब कुछ है कि हर बार अगर टीम 50 पे आउट हो जाए तो लोग आना बंद कर देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं जो भी खेल बनाया जाता है वो लोगों को छू लेने वाला गेम होता है, जो दिल को छू जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको एंजॉय करे। इसलिए शायद क्रिकेट इस तरह की गेम है जो बैट्समैन फ्रेंडली है, और इसीलिए ये ऐसा है। कपिल देव के बाद आज तक वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाई, रादर मैं प्रॉपर बोलूँ तो सीधा कप की बात है कि कप ले नहीं पाई। क्या लगता है कि आज की तारीख में BCCI की ओर से जो भी प्लेयर्स खेलते, इंडियन टीम की ओर से जो प्लेयर खेलते, क्या क्या लगता है आपको कि क्या कमियों की वजह से हम पिछले इतने कप नहीं ले पाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर हम सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका आए तो बहुत बड़ी बात है, उससे पहले सेमीफाइनल में आए इंग्लैंड में, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम ने अच्छा शो नहीं किया है। हर बार तो एक टीम नहीं जीत पाती, शायद हमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना हो तो वो मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि उनकी क्रिकेट हमसे बेहतर है। और
ये नहीं कि हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली या वर्ल्ड कप हम नहीं जीत के लाए. अगर गौर किया जाए तो जिन्होंने क्रिकेट शुरू किया इंग्लैंड ने, उन्होंने आज तक नहीं कभी जीता. साउथ अफ्रीका ने नहीं जीता. तो ये कहेंगे कि क्या हम क्रिकेट सही खेल रहे हैं, क्या हमारे में कमियां हैं. जी पिछला वर्ल्ड कप बहुत हम गंदा खेले, अच्छा नहीं खेले, बहुत कमियां थी. बाकी क्रिकेट अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है, पर और अच्छी कैसे की जाए. ये जो क्रिकेट चलाते हैं ये उनके ऊपर है कि उस उनको किस तरह क्रिकेट को आगे लेके आना है. ICL लॉन्चिंग में जैसे कपिल देव का नाम अनाउंस हुआ, बहुत रोकने की कोशिश भी की होगी कि कपिल देव सामने वाले खेमे में ना बैठे. क्या क्या प्रेशर आया था? नहीं, कोई ऐसा कोशिश नहीं की. आई थिंक दूसरी पार्टी सोचती थी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई ज़रूरत नहीं है, तो शायद ऐसा लगा. अगर रोकने की कोशिश की होती तो मुझसे बुलाते या मुझसे बात करते. Have they offered something? नहीं, उन्होंने सही नहीं समझा ऑफर करना. वो सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कपिल देव की, तो ठीक है. जिस तरह से जोन वाइज लोबिंग का एक प्रॉब्लम कंटिन्यू बरसों से इंडियन क्रिकेट टीम फेस करती है, क्या लगता है कि प्रॉपर व्हाट वाज द प्रॉपर पहले क्या वे था और क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो और उस सोच को नहीं रख सकते तो बहुत मुश्किल है. ये एक अकेले की सोच नहीं होनी चाहिए. एक लाइट हार्टेड क्रिकेटर जो हैं बैठे हैं वो बेहतर क्रिकेट बनाने की सोच होनी चाहिए. और जब एक इंडिविजुअल की सोच है वो अलग है. शायद मेरी सोच बाकी से अलग हो, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठते हैं तो सबकी सोच के ऊपर गौर करना चाहिए और जो बेटर हो क्रिकेट का वो ही करना चाहिए. कपिल देव ने रूरल टेरिटरी से रिमोट एरिया में से बहुत सारे प्लेयर्स को फाइंड आउट की भी किया था. सर्चिंग प्रोसेस बहुत लंबी बरसों से चलती है. क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी और ऐसे कैसे प्लेयर है, कौन से प्लेयर है जो रिमोट एरियाज में से कपिल देव ने ढूंढ निकाले? जी मैंने नहीं ढूंढना, उन्होंने खुद आना है. हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आके यहाँ पर. लेकिन हीरे की परख जब वो झवेरी के पास आ जाता है, झवेरी फाइंड आउट कर लेता है कि यस ये आने वाला. अगर लड़के आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लड़कों में टैलेंट है और जैसे जैसे वो खेलेंगे. सबसे ज़्यादा है कि अभी नाम देना सही नहीं होगा क्योंकि जिस एक बच्चे का भी नाम दो और बाकियों का ना दो तो वो हिम्मत एक की बढ़ाते हो, 10 की नीचे लेके जाते हो. तो मैं यही कहूँगा कि हमें हर बच्चे को हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी जो हिम्मत है उनको आगे लेके जाना चाहिए. बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, क्या वो मेहनत करना पसंद करेंगे, क्या वो मेहनत करते हैं? अगर वो करते हैं तो फिर काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे प्लेयर आएंगे. कपिल जी लास्ट में मेरे सिर्फ 3 सवाल, शॉर्ट में आंसर. वक्त बहुत कम, मुझे मालूम है कि अगर आपके साथ बैठे तो यू आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट, बट वक्त के हिसाब से सचिन तेंदुलकर का जो रेगुलर फिटनेस का प्रॉब्लम, क्या मानते हैं उनका फ्यूचर? जी जो आदमी 20 साल खेला है उसका क्या फ्यूचर आप बात करेंगे? उन्होंने अपने से कहीं हद से ज़्यादा हिंदुस्तान की सेवा की है. और एक लड़का जो 15 साल की उम्र से शुरू करे और 35 साल तक खेलता है तो मैं कहूँगा कि जितना उन्होंने सेवा की शायद और क्रिकेटर ऐसे नहीं हैं हमारे पास कि हम उनको उस जगह पर बैठा सकें. उन्होंने जितनी सेवा की है अपनी बॉडी के हिम्मत से कहीं ज़्यादा की है. ओके, नाउ VVS लक्ष्मण जैसे प्लेयर को विदाउट परफॉर्मेंस सीधा अगर टीम में लिया जाता है, क्या लगता है ये सब सिलेक्शन जो है गलत है? सिर्फ लक्ष्मण की बात नहीं करूंगा, किसी प्लेयर को भी, चाहे वो राहुल हो, सचिन हो, कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, बिशन सिंह बेदी हो, किसी को भी बिना परफॉर्मेंस के टीम में लेना सही बात नहीं है. हम क्यों सिर्फ एक लक्ष्मण की बात करें? हर इंसान को अपनी परफॉर्मेंस से ही टीम में आना चाहिए. कुछ लोग अपनी रेपुटेशन बनाते हैं, वो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा खेल पाते हैं कि हमें मालूम है कि ये एक बड़ा खिलाड़ी है. अगर लक्ष्मण बड़ा खिलाड़ी है, अगर उसको 2 चांस ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और सब टीम सोचती है कि ये शायद वापस फॉर्म में आ जाएंगे उसी इंतज़ार में. और लास्ट में मेरा ये सवाल कि जिस तरह से BCCI फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए कुछ ना कुछ फंड, क्या ICL भी दे आर प्लानिंग फॉर दैट? ऑलरेडी दे हैव डन दिस. हमारी संस्था 1 साल पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है. आप हमें कंपेयर करेंगे 70 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सही नहीं होगा. पर उम्मीद करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो इट्सेल्फ इज़ अ बहुत बड़ी बात है. ये कम नहीं है कि आज के बच्चे, एक यंग लड़का जिसमें थोड़ा एबिलिटी है,
अगर वो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्रिकेटर बनकर वो अपनी जिंदगी बेहतर जिंदगी बना सकता है, तो यही एक प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा हमारी तरफ से है। थैंक यू वेरी मच कपिल जी, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट। दर्शक मित्रों, आज की खास मुलाकात कपिल देव साथ नहीं, फरी मड़ीशो नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ है। सुरेश आप नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। Thank you.